हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिस्टम कॉल होता क्या है, सिस्टम कॉल किन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल इज अ इंटरफेस बिटवीन रनिंग प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड। आपको पता होगा कि कोई भी जो भी सर्विसेज होती हैं या जो भी आपका प्रोग्राम होता है, यूज़र प्रोग्राम होता है, वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब वो प्रोग्राम लिखा जाता है तो वो कर्नल मोड में लिखा जाता है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट होना होता है तो उसको कर्नल मोड की सर्विसेज चाहिए होती है, दैट मीन ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो जब प्रोसेस को, प्रोग्राम को ऑपरेटिंग मोड की सर्विसेज रिक्वायर्ड हुई, तो आपको पता है कि कर्नल डायरेक्टली यूज़र से तो इंटरेक्ट करता नहीं है, तो कर्नल अपनी सर्विसेज यूज़र को प्रोवाइड कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल, मींस यूज़र मोड के प्रोग्राम जो हैं वो सिस्टम कॉल के थ्रू यूज़र से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, वहाँ पर आपको प्रिंट लेना है, तो वहाँ पर जो भी प्रिंट लेने के लिए आपको किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, मींस वो डिवाइस से इंटरैक्ट करेगा आपका वो प्रोग्राम। तो इंटरैक्ट कराएगा कौन? कर्नल। कर्नल कैसे इंटरैक्ट कराएगा? हम उसके लिए प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? वो हम करेंगे सिस्टम कॉल के थ्रू। सिस्टम कॉल को हम प्रोसीजर कॉल भी बोलते हैं। प्रोसीजर कॉल मीन्स एक प्रोसीजरल एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम यूजर मोड में रहते हुए कर्नल मोड की सर्विसेज को ऑब्टेन करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं कि कोई भी आपका प्रोग्राम है, फाइल है जो हार्ड डिस्क में स्टोर है, हार्ड डिस्क में स्टोर है, हार्ड डिस्क से आपको वो फाइल एक्सेस करनी है, तो उस फाइल को एक्सेस करने के लिए, हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए भी आपको सिस्टम कॉल राइट करनी पड़ेगी। सिस्टम कॉल के थ्रू ही आपको कर्नल एक्सेस राइट ऑब्टेन करेगा कि आप जाइए और वहां से उस फाइल को इंटरैक्ट कर लीजिए। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कर्नल के लिए सिस्टम कॉल्स अलग अलग होती हैं। कुछ जो फाइल्स होती हैं, कुछ सिस्टम कॉल्स जैसे ओपन, क्लोज, कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एपीआईज, लाइब्रेरीज, इन सब का यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपका सिस्टम कॉल है, सिस्टम कॉल इज एन एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड मैनर, कि आप डिस्क्रिप्शन पूरा देते हैं कि आपको कौन सी फाइल एक्सेस करनी है, और कोई भी इंटरप्ट कर्नल मोड में आप दे सकते हो, और कर्नल आपका इंटरप्ट हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आपको कोई भी सिस्टम कॉल को क्रिएट करने के लिए या आप कोई भी स्पेशल सिस्टम कॉल जनरेट करना चाहते हैं तो वो आपको प्रोसीजर कॉल के थ्रू ही करना पड़ेगा। अगर हम बात करें सिस्टम कॉल कैटेगरीज की, तो सिस्टम कॉल आपकी पांच पार्ट में बेसिकली कैटेगराइज है। बाकी फर्दर आप मोर डिटेल में अगर जाते हैं तो आपको कई कैटेगरीज मिलती हैं। अभी हम यहाँ पर पांच कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। एक पहला होता है फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल। फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल मीन्स जो भी आपकी फाइल्स हैं, आदर आपकी मेन मेमोरी में स्टोर हैं या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हैं, उनकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उन पे आप कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जैसे आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है, क्लोज करनी है, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट या सीक, अपेंड, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये सब एक सिस्टम कॉल है। ये सब फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल्स में आते हैं। दूसरा होता है डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल। डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल मीन्स कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इफ एनी प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू एक्सेस एनी ऑफ द डिवाइस, आदर इट इज अ पेरीफेरल डिवाइस और इनबिल्ट डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम, इट हैव टू पास थ्रू बाय अ सिस्टम कॉल। लाइकवाइज एज प्रीवियस आई डिस्कस्ड, इफ अ प्रोग्राम वॉन्ट टू एक्सेस द प्रिंटर देन इट हैव टू पास थ्रू अ सिस्टम कॉल। तो वही आपकी जितनी होती हैं वो सब डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल कहलाती हैं। थर्ड वन है इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल। इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू द
फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल। फाइल रिलेटेड सिस्टम, यहाँ पर आपको फाइल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइकवाइज गेट पीआईडी, गेट पीपीआईडी, लाइक आपको प्रोग्राम आईडी, जैसे आप जो फाइल के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उन एट्रीब्यूट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल के थ्रू गुजरना पड़ता है। फोर्थ वन है प्रोसेस कंट्रोल रिलेटेड सिस्टम कॉल। प्रोसेस कंट्रोल रिलेटेड सिस्टम कॉल, ये आपकी ज़्यादातर डेटाबेस में होती हैं या जहाँ पर फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, जस्ट लाइक अबॉर्ट, फॉर्क, एलोकेट, लोड। दैट मीन आप प्रिंटर, स्कैनर जितने भी हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन, जिनके थ्रू आप प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल होते हैं। लास्ट वन है आपका कम्युनिकेशन, जिसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आपकी जितनी भी सिस्टम कॉल्स होती हैं, लाइकवाइज पाइप, आईपीसी, जो भी आपकी सिस्टम कॉल होती हैं जिनके थ्रू आप मैसेज पासिंग के थ्रू इन प्रोसेस इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, वो सारी आपके सिस्टम कॉल कम्युनिकेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल कहलाती हैं। ये आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है सिस्टम कॉल का। ये आप एक लेआउट दे सकते हैं कैसे आपकी सिस्टम कॉल जनरेट होती है। यहाँ पर ये आपका यूज़र है, यूज़र ने कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, एप्लीकेशन वो एक्सेस, क्योंकि यूज़र, यूज़र के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद आपका सेल होता है, सेल के बाद आपका कर्नल मोड होता है। तो ऐप यूज़र जैसे ही एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, क्योंकि आपका यूज़र को एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कराने वाला, अब एप्लीकेशन को कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना है, लाइक सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करना है, तो उसको सिस्टम कॉल राइट करनी पड़ेगी। सिस्टम कॉल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद से आपका ये कर्नल स्पेस है, उसके ऊपर आपका यूजर स्पेस है, मींस एप्लीकेशन जो होगी वो यूजर स्पेस में रन कर रही है। और यहाँ जैसे ही सिस्टम कॉल इंटरफेस है, यहाँ से आपका यूजर मोड स्टार्ट होता है। जैसे ही उसने सिस्टम कॉल जनरेट की, सिस्टम कॉल इंटरफेस के थ्रू पास होके वो एग्जीक्यूटिंग मोड में आई, और वहाँ से वो सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करके आपका डेटा मेन मेमोरी में आ जाएगा, जिससे आप एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स कंप्लीट ऑल अबाउट द सिस्टम कॉल। होप आपको सिस्टम कॉल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।